हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे अभी तक जिनको अपने ऊपर डाउट था कि मेरा CBT 1 में होगा या नहीं होगा, तो अब उनका डाउट ये क्लियर हो चुका है क्योंकि SSC ने अपना CBT 1 का लिफ्ट जारी कर दिया है जिन भी लोगों को CBT 2 के लिए क्वालिफाइड कराया है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर अब किस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूं ताकि मैं एक अच्छा डिपार्टमेंट पा सकूं, क्या तैयारी कर पाना मेरे लिए सही होगा। अभी तक क्या था, बच्चे वो गुमराह थे, उनके पास रिजल्ट नहीं था। काफ़ी लोगों के अंदर डाउट था कि मेरा CBT 1 होगा कि नहीं होगा, तो वो डाउट अब क्लियर हो चुका है और वो CBT 1 की भीड़ से निकल करके CBT 2 की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि अगर वो लोग अगर तैयारी करना चाहें किस हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और काफ़ी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अब डाउट उनका क्लियर हो चुका है, अब वो आराम से RRB JEE और UP SSSC JEE के लिए लग सकते हैं। ठीक है, अभी तक उनका डाउट था कि मैं SSC JEE मेंस कर रहा हूँ, मेरा अगर होता है या नहीं होता है तो मैं अभी नानटेक भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उनका भी डाउट क्लियर हो चुका है और उनका भी डाउट क्लियर हो चुका है जो RRB JEE की अलग करना चाहते थे, UP JEE के लिए अलग करना चाहते थे, तो वो अपना भी अपना तैयारी आगे जारी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए भी बात करूँगा कि इस हिसाब से अपने प्रश्न को जारी रखें और हिम्मत मत हारें, पेशेंस रखें। जिनका इस बार CBT 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपनी कमी पर काम करो। जहाँ पर आपकी कमी है, नंबर किस पोर्शन में कम है, रीजनिंग में कम आए हैं, या GK GS में आपका कम नंबर रह गया, या आपने टेक्निकल तो अच्छा अपना खूब कर लिया, टेक्निकल मान लो इतना अच्छा कर लिया कि आपने 70 से 80 नंबर गेन कर लिए, पर आपका रीजनिंग और GS ना होने की वजह से। क्योंकि देखो CBT 1 का जो मेन खेल होता है वो दोनों होता है, आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका रीजनिंग और GS बहुत अच्छा हो गया, टेक्निकल वीक है, तो आपको CBT 2 में दिक्कत तो होगी। CBT 1 आप निकालो किसी तरीके से, पर CBT 2 में दिक्कत होगी। कोशिश ये करिए टेक्निकल आपका अच्छा रहे, रीजनिंग और GS अगर एवरेज भी रहेगा तब भी आप CBT 1 क्वालिफाइड हो जाओगे। अब एवरेज से भी लो जाओगे तब दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके लिए भी बात करूँगा किस हिसाब से करनी है, पर आज की जो वीडियो हमारी डेडिकेटेड रहेगी वो SSC JEE CBT 2 के लिए बच्चों के लिए रहने वाली है। क्योंकि अब उन्होंने अपना लिस्ट में नाम देख लिया है और उनके अंदर भी एक जिज्ञासा आ चुकी है कि हम भी कर सकते हैं, भाई क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ें आती हैं कि भाई मैं टॉपिक कवर कैसे करें, CBT 2 में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो मेरे भाई, आपने जो CBT 1 में पढ़ा था वही सब कुछ आपका CBT 2 में भी आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग कुछ जाएगा, वही सारा कुछ चीज़ें रहने वाला है, बस थोड़ा अप लेवल रहने वाला है। क्योंकि आपको CBT 2 के अंदर आपको जो है वहाँ पे कैलकुलेटर भी अवेलेबल रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको अपना करना क्या है कि आपको SSC JEE जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, तो एज ए मॉक दे लो या फिर एक बार इनको गो थ्रू हो लो, देख लो कि किस तरीके से सॉइल के अगर कोई क्वेश्चन आया था तो क्या क्वेश्चन आया था, RCC कोई क्वेश्चन आया है तो किस तरीके से क्वेश्चन आया है, क्या हमको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट इसमें आए हुए हैं उनके क्या वेटेज हैं, क्या उनका न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्या कुछ रहने वाला है, उस हिसाब से आप CBT 2 के पेपर को एक बार एनालाइज करके देख करके अपनी तैयारी को आगे गो थ्रू करिए। सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले काम ये चीज़ें अगर यही आपने काम कर लिया, आप इसको एज ए मॉक भी दे सकते हो या फिर एज एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आपने की जो तैयारी आप देखना चाहो कि अगर जो मेरी अभी प्रेजेंट में तैयारी है उस तैयारी से मैं इसके अंदर कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, कितना मेरा आ रहा है, आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन ही सही कर पाए या 40 क्वेश्चन ही सही कर पाए तो आपको, या 30 क्वेश्चन सही कर पाए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा बेस कहाँ पर है और मुझे यहाँ तक आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा या क्या क्या इफ़र्ट लगाना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी और साथ में आपको एनालिसिस भी करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है और क्या चीज़ें आई हैं और उसमें क्या हमारे लिए थ्योरेटिकल है, क्या हमारे लिए न्यूमेरिकल है, कितना थ्योरी का पोर्शन है,
कितना हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है। देखो मैंने तो एनालिसिस की है, मैं आपको बता दूंगा, पर जब जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी को सॉइल में स्ट्रेंथ में दिक्कत आती है, सॉइल के सेफ स्ट्रेंथ में दिक्कत आती है, तो किसी का सॉइल का सेफ स्ट्रेंथ चैप्टर बहुत अच्छे से कम्प्लीट होता है। तो वो जब अपने आप से पेपर पर एनालिसिस करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ हमारी कहाँ पर लैक आ रही है और हमको क्या काम करना है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट तो हो सकता है मैं भी आपका सितंबर लास्ट में हो जाए, पर ये बहुत ही कम चांस बनता है कि आपका सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो पाए, ठीक है। पर अभी आप मान के चलिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय तो है ही है, इससे ज़्यादा का समय मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जब अपने आपको एक सेल्फ एनालिसिस कर ले गए, जैसे कि आप शीशे के सामने अपने आप को रखते हो तो आपका चेहरा नज़र आता है, तो वैसे ही टेस्ट होगा, वैसे ही आपका पेपर होगा, आपको ये बताएगा कि आपकी क्या कमी है, किस पोर्शन में आप वीक हैं और कहाँ पर आपको काम करना है। और मैं कुछ सोर्स के बारे में बता देता हूँ कि ये तो आपका काम हो गया, फिर आप बता देता हूँ कि सोर्स क्या रखना चाहिए, मतलब सोर्स क्या होगा। तो आपका जो सोर्स होगा डियर, वो सोर्स आपका जो CBT 1 का, आपने जो CBT 1 में जो थ्योरी नोट्स यूज किए थे, जो आपने CBT 1 के लिए थ्योरी नोट्स पढ़े थे, वही आपके कारगर यहाँ रहने वाले हैं। CBT 1 में आपने जो आपने हैंडबुक पढ़ी थी, वही आपकी हैंडबुक कारगर रहने वाली है। बूस्टर इज ए मस्ट इम्पोर्ट है, ये बूस्टर इस हैंडबुक जो है आपकी सिविल बूस्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, और आपकी ये थ्योरी नोट्स हेल्पफुल रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने SSC JEE के PIQ लगाए होंगे CBT 1 के एग्ज़ाम के लिए। बस आपको यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ना है, यहाँ पे आपको आकर के एक यूथ ए की मार्केट में बुक आती है, वो आपको करना है, ठीक है, वो आपको करना है। तो काफ़ी कुछ लोग कहेंगे कि मैंने उसको कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, उसको फिर से एक बार आपको कर लेना है। और एक सोर्स आता है डियर ESC का, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत होने लगती है ESC बुक करने में, क्योंकि देखो ESC में ऐसा तो है नहीं पूरा आपको ESC करना है, आपने वॉल्यूम 1 उठाई और वॉल्यूम 2 उठाई, आप लग गए दोनों करने, पर ऐसा नहीं होता इन दोनों से, ऐसा नहीं है कि हाँ बस यही दोनों कुछ बुक आप लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, पर आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने वाले हैं, जिनसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है और हम एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो ये आप अगर अपना करना चाहते हो तो ये अपने आप से नहीं कर सकते हो, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं कर रखी है, इसके लिए आपको वीडियो सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। और जो मैं रिकमेंड करूँगा एवर एग्ज़ाम को, जहाँ पर आपको जो मिनिमम प्राइस इसकी रखी है 3999 का, ठीक है, तो यहाँ पे SSC JEE मेंस का कोर्स ही है। अगर आप जो लोग को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमें कोई वीडियो सोर्स मिल जाए, तो आप SSC JEE मेंस के लिए मैं जहाँ पे अवनीश सर और सौरभ सर का जो लेक्चर होता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो उनका जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको ESC के PIQ मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया AEJEE के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे। तो ये आपका सोर्स रहने वाला है, और इन्हीं सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जो आपको मैंने सोर्स बताया, इन्हीं सोर्स को आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, बार बार इन्हीं चीज़ को देखना है कैसे ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादा सोर्स मत अपनाओ। तो ये आपका खुद का, जो मैंने कहा इसलिए मैं किसी और का नहीं बताया, कि आपने CBT 1 में जो थ्योरी नोट्स पढ़े होंगे, CBT 1 में जो हैंडबुक पढ़ी होगी, और जो आपने SSC JEE PIQ लगाए होंगे, पर उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, यूथ AE की बुक को करना पड़ेगा। और आपको ESC का जो है सोर्स मैंने बता दिया, आप अगर अपने आप से कर पाते हो ठीक, लेकिन पर सारे क्वेश्चन उसमें करने नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चन करना होता, और किन क्वेश्चनों को करना है आपको वीडियो सोर्स के माध्यम से ही पढ़ पाएगा, या कोई अगर बता रखा हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से कर सकते हो। पर आप 3999 का पेड करके अगर बैच लेते हो तो यहाँ पर आपको सारा ये चीज़ें मिल जाएंगी, और आपका ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही कराएगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर करके बताया गया है। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि पढ़ तो लिए भी ये टेस्ट कहाँ से दे, तो टेस्ट जो है सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट बुक का, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट बुक बनाता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अपनी एक तैयारी और अपना एक लेवल मालूम पड़ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, टेक्स्ट बुक में मालूम पड़ जाएगा।
अगर आपको और भी टैक्सी लेनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक है सिविल बूस्टर की, सिविल बूस्टर वालों ने भी एक अच्छी टैक्सी बना रखी है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और काफ़ी उनका एक्सप्रेशन भी अच्छा है, तो आप इस वाली टैक्सी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपने एक को कर लिया, अगर आप दूसरी लेना चाहो तो सबसे नंबर पर ये है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और भी टैक्सीज हैं पर उनके एक्सप्लेनेशन उतने अच्छे मुझे नहीं लगे, बाकी सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा लगा सिविल बूस्टर का, हूबहू सिविल टेक्स्ट बुक के तरीके से होता है। तो आप इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ इन सबको, तो आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ क्या आपके लिए सही है क्या नहीं सही है। तो ये आपका हो जाता है टॉपिक कवर करने का, सोर्स क्या रखें वो हो जाता है, फुल टेक्स्ट कहाँ से देना मैंने आपको बता दिया। अब बात है रिविज़न की। देखो आपने आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीबीटी आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीबीटी वन के टाइम पे पढ़ रखी हैं कि हाँ टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी, बहुत कुछ पढ़ रखी हैं। तो अगर आप मान लो इस समय 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2 से 3 घंटा आपका जाना चाहिए, वो आपका रिविज़न में जाना चाहिए कि हाँ जो पिछली चीज़ें हैं वो आपकी रिवाइज होती रहें। अदरवाइज आप रिवाइज नहीं करोगे तो सीबीटी वन का ही टॉपिक आपका अगर सीबीटी टू में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है, ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना तो है पर आपको रिवीजन पे भी समय देना है, रिवीजन मस्ट है। और जितना आप पढ़ रहे हो डेली का डेली, रात को एक बार रिवाइज जरूर कर लें कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या चीज़ रहने वाली है। तो ये सारा काम आपको सबसे जे सीबीटी टू के लिए करना है, टॉपिक कवर कैसे करना है, रिवीजन कहाँ से करना है, फुल टेस्ट कहाँ देना है, यही काम को आपको बार बार करना है, टेल एग्ज़ाम तक करना है और परिश्रम ही करना है, यही आपकी सफलता की कुंजी है। घबराना नहीं है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड से जुड़ सकते हैं, और चैनल आप सर्च करोगे सिविल ज्ञान लिमिटेड तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी देखने को, और जुड़ करके आप हमारे साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।